कदम्बो सैर सालत गुलो गुलजार मदीना है कदम्बो सैर सालत गुलो गुलजार मदीना कुंदनी रंग है गहरा है लिबास आज सुनहरा कुंदनी रंग है गहरा है लिबास आज सुनहरा चांदनी रात ने पहना दलाल बदर वलैना दलाल बदर वलैना दलाल बदर वलैना दलाल बदर वलैना आए सरकार मदीना लाए अनवार मदीना आए सरकार मदीना लाए अनवार मदीना सैर सालत गुलो गुलजार मदीना कुंद
चांदनी रंग है गहरा है लिबास आज सुनहरा चांदनी रंग है गहरा है लिबास आज सुनहरा चांदनी रात ने पहना दलाल बदर वलैना दलाल बदर वलैना दलाल बदर वलैना दलाल बदर वलैना आए सरकार मदीना लाए अनवार मदीना आए सरकार मदीना लाए अनवार मदीना अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक में आप सबको खुश आमदीद। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 रमज़ान है। 20 रमज़ान आज से 1400 साल पहले 20 रमज़ान को तारीख़ इस्लाम के आसमान पर अज़ीमुश्शान फ़तह मक्का चाँद बनकर चमकी और रहती दुनिया तक चमकती रहेगी। आज के दिन अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को फ़तह मक्का तोहफ़े के तौर पर इनायत फरमाई। फ़तह मक्का से ठीक 8 साल पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का की जुल्म और ज़्यादतियाँ सहते रहे और फिर कुफ़ार मक्का ने उन्हें मजबूर किया मक्का से हिजरत करने पर, तो बड़े रंजीदा थे, बहुत गमज़दा थे, क्योंकि वो अपने उस शहर को छोड़कर जा रहे थे जहाँ उनके प्यारे रब जिसके वो महबूब थे उनका घर बैतुल्ला शरीफ था, जहाँ उन्होंने अपना बचपन गुजारा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ जब वो हिजरत फरमाने के लिए रवाना हुए तो उन्होंने बैतुल्ला शरीफ की तरफ देखा और कहा, ऐ मक्का, खुदा की कसम, तू मेरी निगाह मोहब्बत में तमाम दुनिया के शहरों से ज़्यादा प्यारा है। अगर मेरी कौम मुझे यहाँ से ना निकालती तो मैं तुझे छोड़कर कभी ना जाता। किस दिल से वो उस बैतुल्ला शरीफ से गए जिसे वो देख के जीते थे, जहाँ वो इबादत किया करते थे, जो उनके प्यारे रब का घर था। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से हिजरत करके ये बता दिया कि अल्लाह पाक की राह में कुछ भी कुर्बान करने से गुरेज ना कर, हर उस चीज़ की कुर्बानी दो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी है। और फिर वो वहाँ से हिजरत कर गए। बेशक ये बहुत तकलीफ़ दे अमल था। और फिर 8 साल बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ बड़ी ही शान और शौकत से मक्का फतह करते हुए अंदर दाखिल हुए। मगर इस शान और शौकत में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर आज इसी से झुका हुआ था। ना कोई गुरूर, ना कोई तकब्बुर, ये थे हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुफारे मक्का जिन्होंने उनके साथ असहाबा कराम के साथ ज़्यादतियाँ की, उनके दिल में खौफ था, वो डरे हुए थे कि अब न जाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी उनके साथ की गई जुल्म और ज़्यादतियों का किस तरह से बदला लेंगे, न जाने हमारे साथ क्या होगा, न जाने हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। और इसी डर खौफ पे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ आज तुम सब के लिए आम मुआफ़ी, जाओ मैंने तुम सबको माफ़ किया। अफू और दरगुजर की ये मिसाल जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और इस माफ़ी के बाद, इस आम मुआफ़ी के बाद, वो कुफ़ार मक्का जिन्होंने चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा मगर इस्लाम कबूल नहीं किया, वो कुफारे मक्का जिन्होंने पत्थरों को बोलते हुए देखा मगर इस्लाम नहीं लाए, जिन्होंने गजवाए बदर में फरिश्तों को लड़ते देखा मगर इस्लाम नहीं लाए, जिन्होंने गजवाए खंदक में शिकस्त खाई मगर इस्लाम नहीं लाए,
हमारे प्यारे नबी रहमतुल आलमीन की आम माफ़ी को देखकर जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए, तौहीद का कलमा पढ़ते हुए आगे बढ़े और बेशुमार कफारे मक्का मुसलमान हुए। ये थी हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माफ़ी और अफूद दरगुजर की मिसाल, जो कि दुनिया में कहीं नहीं मिलती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज कुरैश के लिए इज़्ज़त का दिन है, जो कि फ़तेह मक्का का दिन था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की वो चाबियाँ, जो कि उस्मान बिन तलहा ने उनको देने से इनकार कर दिया था, 8 साल बाद जब उनके सामने आए और वो चाबियाँ लेने का वक्त आया, तो उस्मान बिन तलहा बहुत डरे हुए थे, नबी पाक से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे चाबियाँ ली और वापस उन्हीं के हाथ में थमा दी। सुभान अल्लाह, ये थे हमारे रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से मक्का फतह किया कि दुनिया दंग रह गई और रहती दुनिया तक उनकी ये मिसाल कायम रहेगी। तो आज से 1400 साल पहले फतह मक्का बड़े शान से चमकी और मक्का मुकर्रमा में इस्लाम का परचम लहराया। आज 20 रमज़ान मुबारक हमारे लिए फ़ख्र का दिन है। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को आज की दुनिया में भी ऐसी ही फतह नसीब फरमाए। काश कि हम मुसलमानों के ज़ुल्म ज़्यादती के दिन ख़त्म हो और तमाम मुसलमान एक होकर फ़तह हासिल करें कुफ़ार पे, जो कि आज के दौर में नामुमकिन नज़र आता है, लेकिन अल्लाह पाक हर नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। तो आइए मिलके दुआ करें कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को फ़तह अता फरमाए, उन ज़ालिमों से निजात दिलाए जो आज मुसलमानों पर ज़ुल्म कर रहे हैं, उन कुफ़ार से निजात दिलाए जो आज मुसलमानों का खून बहा रहे हैं। अल्लाह पाक हमें फ़तह नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो आज 20 रमज़ानुल मुबारक को अशरा मग़फ़िरत का अख्तिताम होगा और अशरा निजात जो है वो शुरू होगा। अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें निजात अता फ़रमाए। और आज के दिन मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद दूंगी जो कि एतिकाफ़ में बैठ रहे हैं, दुनियादारी को छोड़कर, दुनिया से क़त ताल्लुक़ करके अल्लाह पाक की इबादत के लिए, उसकी हमद सना के लिए दुनियादारी को ख़त्म करके जो लोग आज एतिकाफ़ में बैठेंगे उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक उनकी तमाम इबादतों को कबूल फ़रमाए। और मैं यही कहूँगी कि अल्लाह पाक इस अशरा मग़फ़िरत और अशरा निजात में हम लोगों की मग़फ़िरत और निजात अता फ़रमाए, हमें दोज़ख़ की आग से निजात दे, कब्र के अज़ाब से निजात दे और उन तमाम गुनाहों की माफ़ी हमें दे जो कि हम करते रहे हैं। अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक, मिलते हैं अगले सेगमेंट में। जी नाज़रीन, हमारे साथ आज फिर हमारे मौजूद भाई मौजूद हैं और अशरा निजात शुरू होने वाला है और शबे ताक शबें जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। आज जितने भी लोग हैं जो कि एतिकाफ़ में बैठते हैं वो बैठेंगे और मैं भी इंशाल्लाह अल्लाह की रज़ा से एतिकाफ़ में बैठूंगी। और आज हम बात करेंगे फ़तेह मक्का की, क्योंकि आज का दिन फ़तेह मक्का से मंसूब है, 20 रमज़ानुल मुबारक। तो आइए पूछते हैं कि ये शानदार फ़तह जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया लोगों के साथ कैसा था, किस तरह आम माफ़ी दी गई, किस तरह लोग जोग दर जोग इस्लाम में शामिल हुए। तो आइए बात करते हैं फ़तेह मक्का के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़तेह मक्का के बारे में, फ़तेह मक्का से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी ज़्यादती की गई, किस तरह उन्हें मक्का से जो है हिजरत करनी पड़ी, वो हम सब जानते हैं। ऐसी जगह जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब और अल्लाह का घर, उन्हें किस तरह से छोड़ना पड़ा और फिर किस दिल से वो छोड़कर जा रहे थे और क्या कहते हुए वो जा रहे थे और फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने किस तरह रहम फरमाया और किस तरह आम माफ़ी का ऐलान किया,
तो ये मिसाल तो दुनिया में कभी ना थी ना है और ना होगी। क्या कहते हैं आप इस दिन के बारे में? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह सुभानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हम सब के मौला ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मदीने से निकल रहे हैं और आखिर तक सहाबा को नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरफ जा रहे हैं। और आपने खामोशी से इस सफ़र का आगाज़ किया, सारे सहाबा मौजूद हैं, तकरीबन 10,000 के करीब सहाबा हुजूर के साथ चल रहे हैं और आप ऐसे रास्ते से निकले कि जो रास्ता मारूफ नहीं था। जब आप मक्के से करीब पहुँचे तो आपने रात में तमाम लोगों को सहाबा कहा कि हर बंदा लकड़ी जलाएगा। तो जब 10,000 सहाबा फैल गए और उन्होंने रात का खाना खुद तैयार किया तो मक्का वाले हैरान थे, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह किस लश्कर को लेकर आए, इनसे हम जीत नहीं सकते। अबू सुफियान जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था वो आए, उनको नज़रबंद कर लिया गया और बिठा दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मक्के के अंदर इंटर हो रहे हैं। ये लश्कर देखें मक्का से बीच सेंटर में, नबी इस्लाम ने इस तरह लश्कर कशी फरमाई, यहाँ से एक सहाबा की पूरी जमात का लश्कर आ रहा है, एक लश्कर यहाँ से आ रहा है, एक लश्कर यहाँ से आ रहा है और एक लश्कर यहाँ, और नबी इस्लाम हाँ चारों तरफ से, और नबी इस्लाम इस तरफ से आ रहे हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली शेर खुदा, उसैद बिन हदीर, अब्दुलरहमान बिन औफ, बिलाल हबशी। अब अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान मक्के के अंदर इंटर हो रहे हैं। सारे क्या शान होगी, सारे लोग जो है ना वो देख रहे हैं कि आज क्या होने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुका हुआ फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह नसर अब्दहु, ला इलाहा इल्लल्लाह नसर अब्दहु, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के जिसने अपने बंदे को फतह अता फरमाई। और नबी इस्लाम का जो सर है, इस ज़माने में फातह जब दाखिल होता है तो सर अकड़ा फ़ख्र से बुलंद होता है, मगर अल्लाह के नबी का सर झुका हुआ है और आज़ीन के सारी के पे कह रहे हैं। सबसे आते साथ मक्के के अंदर दाखिल होते हैं, खाने काबा को देखते हैं, आँखों से आंसू निकलते हैं। बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया जाता है कि जाओ अज़ान दो। बिलाल हबशी, अब हर मुसलमान वो कहीं भी हो वो काबे की तरफ रुक करके अजान देता है। बिलाल हबशी को जब छत पर चढ़ाया गया, अब तो काबे की छत पर है, किस तरफ किस रुख पर अजान दें? सुभान अल्लाह, नबी इस्लाम तवाफ़ फरमा रहे हैं और अजान हो रही है। बिलाल हबशी ने क्या किया, जैसे कानों में ऐसे डाला और जहाँ जहाँ नबी घूमते रहे बिलाल हबशी छत पर खड़े होकर घूम घूम के अजान देते रहे। ये मोहब्बत का एक अंदाज था, क्या अंदाज होगा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन तलहा जो अभी मुसलमान नहीं है उनको बुलाया। शेबी ख़ानदान जिनके पास खाने काबा की चाबी है उन्हीं की नस्ल से हैं। जब हुजूर मक्का से मदीना जा रहे थे तो उस्मान बिन तलहा को बुलाया और कहा कि खाने काबा की चाबी खोल दो ताकि मैं अपने खालिक और मालिक का घर अंदर से देख लूँ। तो उस्मान बिन तलहा मुसलमान नहीं होते, कहा ला तो इज़्ज़ा की कसम ये कभी घर को भी नहीं खुलेगा तुम्हारे लिए, और जाओ। इस तरह की बात की, आकर ने मुस्कुरा कहा एक दिन ऐसा होगा ये चाबियाँ मेरे हाथ में। और जब उसी दिन उस्मान बिन तलहा को बुलाया गया तो उस्मान बिन तलहा खापते हुए आका इस्लाम की बारगाह में आए, घुटनों के बल बैठ गए। सहाबा मौजूद थे, उस हज़रत अली और उमर फारूक इस तरह खड़े हुए थे। अब उन सर झुका हुआ, कहा उस्मान उन्ज़ुर इला वजी, उस्मान मेरे चेहरे की तरफ देखो, या उस्मान उन्ज़ुर इला वजी, मेरे चेहरे की तरफ देखो। वो खौफ ज़दा है कि ऐसा ना हो गर्दन उठे और तलवार आए। और आका ने कहा उस्मान मैं तुम्हें अमान देता हूँ, गर्दन उठा के देखो। जैसे उठा के देखा, फरमाया ऐन अल मिफ्ताह, चाबी कहाँ है? डरते हुए हाथों से चाबी दी। आका ने सबकी तरफ देखा, हर एक की ख्वाहिश थी ये खाने काबा की चाबी हमारे तरफ आ जाए, मगर वो रहमतुल्लिल आलमीन है। आका करीम ने उनको मुस्कुराया, दिखा उस्मान तुझसे कहा था ना ये चाबी हमारे पास आएगी, वो तेरा ज़र्फ था, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज़र्फ है। वो चाबी उठा के आका ने उस्मान बिन तलहा को दे दी। उस्मान खड़े होते हैं और नारे तकबीर बुलंद करते हैं और हुजूर के कदमों में गिर जाते हैं। वो लोग के जो हुजूर के दुश्मन थे वो एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है मक्के के अंदर, हर जगह से आवाज़ आ रही होती है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और पूरा मक्का मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से गुजना शुरू हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं आज तुम्हारे साथ क्या किया जाए, जो अबू सुफियान के घर गया उसको अमान है, जो अपने घर में उसको अमान है, जो हरम के अंदर है उसको अमान है, क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ। ये वो लोग थे कि जब हुजूर चलते थे तो हुजूर के रास्ते में कांटे बिछवाया करते, ये वो लोग थे कि जिन्होंने अमीर हमजा को जैसे सहाबा को शहीद किया, ये वो लोग थे कि जिन्होंने हुजूर को मक्के से हिजरत करने पे मजबूर किया, ये वो लोग थे कि जब हुजूर नमाज़ पढ़ रहे होते थे ओजड़ी डाल दिया करते थे। आज हमें कोई कुछ कुछ कहे, हम दुश्मन को देखकर
तड़प जाते हैं कि मार दें काट दें। आज तो रसूलुल्लाह जी इख्तियार के साथ 10,000 तलवारें हुजूर के साथ हैं। अल्लाह हुजूर ने पूछा क्या, तो मैं करीम बेटे हैं, करीम भाई हैं, पर मैं अन तुम तुलका जाओ, तुम सबको माफ़ फरमा दिया। सुभान, ये इंसानी तारीख में एक वाक़ देखा कि हुजूर ने फतह किया है और हुजूर ने दिलों को फतह कर दिया। सुभान, जब एक अंग्रेज़ मुफक्किर ने कहा प्रॉफिट की जो इंतकाल हुआ उनके बाद एक नर्सरी पैदा करके गए और हर बंदा शाकार पैदा हुआ, ये मेरा अकाली सलातो सलाम फतह मक्का। हुजूर कुरान ने इसको फतह मुबीन कहा और फिर इस्लाम तेज़ी से और वो अजम में फैला। नबी इस्लाम का इखलास देखा, नबी इस्लाम का किरदार देखा, नबी इस्लाम की गुफ्तगू को देखा, नबी इस्लाम की चाहत को देखा और कहा कि इनसे अच्छा सच्चा कोई नहीं है। काफिर आते, मैं कभी तसव्वुर में जाता हूँ और पूछता हूँ, कभी मैं बीबी फातिमा और सैयद अबू बकर सिद्दीक, उम्र फारूक, उस्मान गनी, सैयद इमाम हसन से पूछे तसव्वुर में बंदा कि बताओ नबी कैसे हैं। बीबी खतीजा से कोई पूछे तो बीबी खतीजा कहती है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मगर इनसे अच्छा शौहर कोई नहीं। बिलाल हबशी से कोई पूछे मोहम्मद सल्लम कौन है, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मगर इनसे बेहतरीन आका कोई नहीं। मदीने के मार्केट में जाके पूछें, आज लोग ज़खीरा अंदोजी करते हैं, मेरे हुजूर का अंदाज़ क्या है। आपको पता जब वहाँ गए हैं हुजूर, 25 साल के नौजवान हैं, मार्केट में गए, हर कोई अपने ऐप को छुपा रहा था, रसूल सच बोल रहे थे। मैसरा ने कहा कि हर एक से ज़्यादा 9 गुना ज़्यादा प्रॉफिट रसूल की ज़बान पर लोगों ने दे दिया। सुभान अल्लाह, इखलास अखलाक, आज हमसे सब चीज़ें जाती जा रही हैं। आज हम मोहब्बत नहीं देते, हम नफ़रतें बांटते हैं, दुश्मनियाँ करते हैं, अदावत, और उसी में मर जाते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं यार बड़ा अच्छा इंसान था, लोग बड़ा मरबा कहते थे कि जिस मिट्टी में लोग डाल के कहते हैं अच्छा इंसान है, अगर अपनी नफ़त में मिट्टी डाल दें तो खुद अच्छे इंसान बन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बड़ी अच्छी बात की। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी आपने आज एक ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ और मैं सब कुछ देख रही हूँ। तो अल्लाह पाक हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जैसा दिल दे कि वो जिस तरह कैसे कैसे अपने दुश्मनों को माफ़ फरमा दिया करते थे, काश हमें उनकी ज़र्रा बराबर भी ऐसी कोई भी सिफ़त मिल जाए कि हमारी दुनिया और आखरत दोनों संवर जाए। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, देखते रहिएगा, रमज़ान मुबारक। जी हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही प्यारे भाई, आपने इनको रमज़ान ट्रांसमिशंस में भी देखा होगा, इसके अलावा मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आपने इनको किरत करते हुए, नातख्वानी करते हुए देखा होगा। हमारे बहुत ही साथी रहे हैं 2 साल तक, कारी असदुल हक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएं आपके कितने अरसे से नातख्वानी कर रहे हैं, किरत कर रहे हैं, कितना अरसा हो गया आपको? ये तकरीबन 20-25 साल जो है वो हो गए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। कभी अच्छा माशाल्लाह 20-25 साल हो, बहुत लंबा अरसा है माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि कभी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नातख्वानी का शर्फ हासिल हुआ आपको? मेरे नज़दीक तो वो नात खां कि जिसको हुजूर के दरबार की हाजिरी नसीब हो जाए, समझे उसका जो पूरा जो फ़न है या जो उसका पढ़ना है वो कबूल हो गया, क्योंकि हुजूर के दरबार में हाज़िरी वो बुला लें जिसकी सनाखानी करते हैं, जिसकी मदद करते हैं वो बुला लें अपने पास, तो इससे बड़ा इनाम क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा जाना हुआ है वहाँ पर। एक बड़ा ख़ूबसूरत कलाम है और इसी से रिलेटेड है कि हुजूर के दरबार की हाजिरी जो कि आजकल मुश्किल है, लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक वो रौनकें दोबारा बहाल कर। आमीन। जिस चाग दिल पे बुला करम के है फैसले
तेरे नसीब बात है, न कहीं से दूर है मंज़िले, ना कोई करीब के बात है। मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे हबीब के बात है, न कहीं से दूर है मंज़िले, ना कोई करीब के बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब के बात है। बहुत शुक्रिया आपका जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी यकीनन आप सबको पसंद आया होगा, और मेरी दुआ है सबसे कि अल्लाह पाक हम लोगों की मग़फ़रत फरमाए और हमें दोज़ख़ की आग से निजात अता फरमाए, और उन तमाम लोगों को एक बार फिर मुबारकबाद जो कि आज एतिकाफ़ में बैठ रहे हैं, और अल्लाह पाक हम सब की इबादतों को कबूल मंजूर फरमाए अपनी बारगाह में। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक आ गया, रब की अता, रब का करम, रोशन हुआ।